हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल आदियन मोमी ब्लॉग्स। सो मैं ऐसे क्यों बैठी हूँ आप लोग देख के गेस करो। वैसे भी टाइटल से आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि आज मैं करने वाली हूँ ये वाला लुक, जो कि है सेलिना गोम्स से इंस्पायर्ड। एंड ये आप एज अ पार्टी, मतलब एज अ गेस्ट मेकअप भी वियर कर सकते हो, या आपका जैसे कि शादी से पहले जो फंक्शंस होते हैं उनमें भी आप वियर कर सकते हो। इंगेजमेंट लुक भी आप इसको बना सकते हो, या फिर आप कोई क्लबिंग वगैरह में जा रहे हो तो इसको अपना, मतलब कि इस तरह का लुक क्रिएट कर सकते हो। बिकॉज बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा मेकअप विद नो मेकअप लुक लगता है, काइंड ऑफ मेकअप एंड नो मेकअप लुक, तो समझ गए ना आप लोग। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट। सो आज जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो कि किस तरह का मेकअप लुक है, और मतलब कि बहुत ही ज़्यादा न्यूड लिप्स एंड हल्की सी ब्राउन आइज है जो कि मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ आज आप लोगों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते। मैंने अपने फेस पे मॉइस्चराइजर वगैरह लगा लिया था एंड हल्का सा सीरम अप्लाई करूँगी, बस इतना ही। और वॉइस ओवर करने वाली हूँ बिकॉज वैभव मेरे साथ है और अभी घर पर कोई नहीं है, तो मैंने सोचा एक वीडियो कर ही लेती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया है मैंने यहाँ पे विटामिन सी सीरम से, ये लैक्मे का है और बहुत ही अच्छा सीरम है। ग्लो प्रोवाइड करने के साथ साथ हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, और साथ में बहुत ही अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड करने में हेल्प करता है। एंड प्राइमर के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया हिलेरी रोडा का ऑयल फ्री प्राइमर। ऑयल फ्री होने के साथ साथ बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हो पोर्स को कितने अच्छे से ब्लर आउट कर दिया है एंड बहुत ही अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है। एंड आफ्टर डैट स्विस ब्यूटी का स्टूडियो फिनिश फाउंडेशन यूज़ किया मैंने यहाँ पे, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही लाइट वेटेड फाउंडेशन है एंड कवरेज इसकी बहुत अच्छी है, आप देख सकते हो। मेरे फेस पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है तो मैंने यहाँ पे करेक्टर वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया, डायरेक्ट फाउंडेशन यूज़ किया है एंड बहुत ही अच्छा कवरेज देता है ये, साथ में बहुत ही अच्छा ब्लेंड भी हो जाता है फेस में। जैसे आप देख सकते हो ऐसा लग भी नहीं रहा है कि मैंने फाउंडेशन की कोटिंग करी है या कुछ भी, बट बहुत ही अच्छे से स्किन में बैठ गया है। उसके बाद मैंने यूज़ किया स्विस ब्यूटी का ही कंसीलर अपनी अंडर आइज़ को थोड़ा वेकन अप करने के लिए, बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा सोई सोई लग रही थी। एंड सेलेना गोम्स का जो फेस कट है मुझसे बहुत ही ज़्यादा अलग है, बहुत ही पतला सा फेस है, तो उसी को थोड़ा सा क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे ये कंसीलर अप्लाई किया है। एंड इस वे में अप्लाई किया आप देख सकते हो, और इसको ब्लेंड किया है मैंने इनसाइट के ब्लेंडर से। इनसाइट का ब्लेंडर भी बहुत अच्छा है, बहुत रीजनेबल है और बहुत ही बेस्ट ब्लेंडर है। अगर आप बिगनर हो देन जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किया है ये सारे बिगनर फ्रेंडली है। अगर आपको बाय करना है देन इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी विद द शेड नंबर। सो या इस तरह से मैंने अपने कंसीलर को ब्लेंड किया। कंसीलर ब्लेंड करने के बाद आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है फेस, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि जगह जगह सा लग रहा है बिकॉज पहले सोया सोया सा लग रहा था। सो या इस तरह से मैंने अप्लाई किया कंसीलर को एंड ब्लेंड किया। आफ्टर डैट मैं यहाँ बेकिंग प्रोसेस करने वाली हूँ बिकॉज मुझे आई मेकअप करना है। इसके लिए मैंने यूज़ किया मिस क्लेयर का लूज पाउडर, बहुत ही बेस्ट लूज पाउडर है और बहुत ही फाइन इसके पार्टिकल्स है, तो आपके जो मतलब कि अंडर आई एरिया है उसको क्रैक नहीं करेगा, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है फेस में एंड बहुत ही अच्छा कवरेज भी देता है। सो मैंने इस तरह से अप्लाई किया है इस पाउडर को, आप देख सकते हो, ताकि थोड़ा सा फेस अपलिफ्टेड लगे, मतलब इसलिए मैंने पाउडर को इस तरह से अप्लाई किया है। एंड आफ्टर डैट मैंने ये पैक का ब्रश लिया है, आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश, एंड मिस रोज के इस पैलेट से मैं ये वाला शेड पिक कर रही हूँ। ज़्यादा हैवी आई मेकअप नहीं है, बहुत ही न्यूट्रल सा आई मेकअप है और बहुत ही प्यारा सा है, जिसे आप डेली बेस पर भी कैरी कर सकते हो, ऑफिस गोइंग हो तब भी कैरी कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं है। एंड प्री फंक्शंस होते हैं जैसे शादी के, तो उसमें भी आप इस तरह से मेकअप कर सकते हो। सो इस तरह से मैंने अप्लाई किया अपने आई शेडो को अपनी आईज पे, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करना है बिकॉज हार्श लाइन बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। आफ्टर डैट मैंने इसी सेम पैलेट से पिक किया ये थोड़ा सा डार्क ब्राउन सा शेड, थोड़ा ऐशी ग्रे सा ब्राउन है, इसको पिक किया देन अपने आउटर कॉर्नर में इस तरह से अप्लाई किया। इस तरह से अप्लाई करने में क्या होता है आपकी आईज़ थोड़ी ना लिफ्टेड लगती है बिकॉज मेरी आईज़ ऑलरेडी छोटी है, सो मुझे थोड़ा सा लिफ्टअप करना था आईज़ को, इसलिए आपने भी इस तरह से अप्लाई करना है अपने आई शेडो को आउटर कॉर्नर में, देन थोड़ा सा अंदर अंदर को अप्लाई करना है ब्लेंडिंग पोजीशन में। सो इस तरह से मैंने आई शेडो को ब्लेंड किया है अपनी, आप देख सकते हो
उसके बाद मैंने यहाँ पे ये शैम्पेन गोल्ड जो भी कहते हैं इसको, शैम्पेन शेड लिया है, उसको मैंने अपने आई बॉल्स के ऊपर इस तरह से हाथों से ही अप्लाई किया है, उंगलियों से। ब्रश से अभी अच्छे से अप्लाई होता है, बट उंगलियों से ये वाले शेड्स ना बहुत अच्छे से अप्लाई होते हैं, जो मेटालिक शेड्स होते हैं। सो इस तरह से मैंने अपने दोनों आईज़ पर अप्लाई कर लिया है शैम्पेन शेड को। एंड आफ्टर डैट मैंने यहाँ पर लिया है ये काजल। काजल से मैं अपना लाइनर ड्रॉ करने वाली हूँ, बिकॉज़ ज़्यादा हैवी लाइनर नहीं है उनका भी, बहुत ही बेसिक सा लाइनर है सेलेना गोम्स ने जो अप्लाई किया है। सो मैं भी उसी तरह से अप्लाई करने वाली हूँ। आप देख सकते हो लाइनर लगाने के बाद लुक ही चेंज हो जाता है, एंड बहुत ही अच्छा लाइनर है ये भी, और रीज़नेबल भी बहुत है, और आप बाय कर सकते हो, बिकॉज़ लॉन्ग लास्टिंग भी है, स्टे भी अच्छा करता है, और स्मज प्रूफ भी है। आफ्टर डैट ये पर्पल का वीविफाई मस्कारा यूज़ किया, मेरा फेवरेट मस्कारा है ये, और आपके जो लैशेज़ है उसको एक ही कोट में बहुत ही अच्छा लुक दे देता है, एंड बहुत ही अच्छा इसमें वॉल्यूम प्रोवाइड कर देता है। मेरी तो ऑलरेडी है नहीं लैशेज़, सो मुझे अप्लाई ज़्यादा करना पड़ता है, एंड लोअर लैश लाइन में भी इसी को अप्लाई कर रही हूँ। आप देख सकते हो लोअर लैश लाइन मेरी बिल्कुल ही कम है, तो मुझे बहुत ही अच्छे से, मतलब कि बहुत ही महीन तरीके से अप्लाई करना होता है। सो इस तरह से मैंने इसको अप्लाई किया, देन मैं ये पाउडर वगैरह सारा डस्ट ऑफ कर रही हूँ। नोज़ कॉन्टोरिंग मैंने कर लिया था, उसकी वीडियो डिलीट हो गई, आई डोंट नो कैसे हुई। एंड आफ्टर डैट मैंने ये कफ्स एंड लैशेज़ का कॉन्टोर पैलेट लिया, एंड उससे अपने चीक्स को और अपने जो भी जिस एरिया में भी मुझे लग रहा है कि कॉन्टोरिंग की नीड है, वहाँ पे मैंने इस तरह से कॉन्टोर कर लिया है। थोड़ा ब्राउनी ब्राउनी सा मेकअप है, न्यूड ब्राउन टाइप ऑफ मेकअप है, सो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं इस तरह से कर रही हूँ मेकअप। एंड मैंने यहाँ पे लिया कफ्स एंड लैशेज़ का ब्लश, लिक्विड ब्लश, बहुत ही अच्छा ब्लश है, उसको अपने चीक्स पर अप्लाई किया, एंड उसी के ऊपर मैंने हल्का सा इसी से, मतलब कि कफ्स एंड लैशेस के जो पैलेट है उससे हल्का सा ब्राउन शेड पिक किया ये वाला, और ब्लश के ऊपर अप्लाई कर दिया, बिकॉज ब्लश थोड़ा पीची टोन में था, बट जो मेकअप मैं देख रही थी इंटरनेट में और सेलेना गोम्स का जो मैं कर रही हूँ उसमें थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन का टच है, सो इसलिए मैंने इसको अप्लाई किया। उसके बाद मार्स फैंटेसी फेस पैलेट जो होता है उससे मैंने ये वाला हाइलाइटर शेड पिक किया, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया था, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला हाइलाइटर ना, सो मैंने इस तरह से इसको अप्लाई किया। आप देख सकते हो फैन ब्रश की हेल्प से बहुत ही अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है, बहुत ही अच्छा है, मतलब कि चंकी पार्टिकल्स नहीं है, ग्लिटर्स नहीं है, और बहुत ही अच्छा लगता है ये, जैसे हाई एंड हाइलाइटर्स होते हैं ना उसका काम कर देता है ये। आप देख सकते हो ग्लो एक ही स्ट्रोक में इतना प्यारा ग्लो प्रोवाइड कर देता है ना ये, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये हाइलाइटर पार्ट मेकअप में। सो इस तरह से मैंने हाइलाइटर को अप्लाई किया अपना, एंड मैंने सोचा कि ये फेस सेटिंग स्प्रे क्या ही अप्लाई करूँ, बिकॉज मुझे थोड़ा सा जल्दी जाना था, तो मैंने सेटिंग स्प्रे अप्लाई नहीं किया, बस हाइलाइटर अप्लाई कर दिया था, और इस तरह से मेरा ऑल ओवर लुक बना था, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आया था, सामने से भी बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मैं नोज़ पे अपना हाईलाइट कर रही हूँ, उंगलियों से मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि उंगलियों से जब आप हाईलाइट करते हो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होता है आपका हाईलाइटर, एंड कोई भी चंकी पार्टिकल्स वगैरह छोड़ता नहीं है फेस पे। आफ्टर डैट मैं हल्का सा ये ब्राउन शेड और पिक कर रही हूँ, देन अपने जहाँ पे मैंने हाईलाइटेड किया वहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, ताकि जो मैं चाहती हूँ वो वाला लुक आ जाए। सो या ये था मेरा फाइनल लुक, सो मैं आपको दिखाती हूँ, या ये था मेरा फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को पसंद आए, एंड आप आगे क्या देखना चाहते हो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, एंड मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा था ये वाला लुक। पार्टी वगैरह में भी आप इसको वेयर कर सकते हो, या फिर घर के छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं, हल्दी, या फिर किसी शादी में जाना हो, एज अ वेडिंग गेस्ट भी आप इसको वेयर कर सकते हो। सो या ये था मेरा इंस्पायर्ड लुक आप लोगों के लिए, सो आई होप आप लोगों को पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye-bye.